कई बार ऐसा होता है कि जहाँ से जो समाप्ति होती है वहीं से शुरुआत होता है। पीछे हमने यहाँ पे एक घर है, इसी में रूम ले रखा है, बहुत ही सुंदर साफ सुथरा सा रूम है और बहुत ही फैमिली वाला और फ्रेंडली टाइप का एनवायरनमेंट है। और अभी हम सब नहा धो लिए हैं और कहाँ के लिए निकाल रहे हैं हम भाई? हम रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, रामलला विराजमान के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए। आप लोगों को नहीं करा सकते क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, जितने भी कैमराज वगैरह होते हैं अलाउड नहीं होते, कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होती, दरअसल बेल्ट वेल्ट से रिलेटेड चीज़ें भी अलाउड नहीं होती। तो हम बिना घड़ी वड़ी किसी चीज़ के ऐसे ही जा रहे हैं, ठीक है? आते हैं उसके बाद बताते हैं आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा। रामलला के दर्शन के लिए सभी आते हुए थकी हुई दीदी छोटी बहू ये सब सबके सब रामलला के दर्शन। और ये हमारे राम दरबार, बहुत ही सुंदर। यहाँ से आप एंट्री लेते हैं, लॉकर वगैरह में कहीं पे भी आप अपने पर्स मोबाइल वगैरह जमा करा सकते हैं और सुंदर दर्शन पा सकते हैं। पीछे कृष्ण भगवान के विराट रूप हैं और देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए ज़रा कितने ही सुंदर विराट रूप हैं कृष्ण जी के। और यहाँ बहुत सारे देव और अन्य देवी देवता जो प्रतिस्थापित हैं। और रामलला के भवन के पास का ही जो है ये दर्शन है और बिल्कुल मेन रोड पर ही आप देखिए यहाँ पे कितने ही सुंदर दर्शन यहाँ माता के आपको, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये सुंदर हनुमान जी यहाँ पे इसी प्रांगण में देखिए कितने ही सुंदर लग रहे हैं और सभी फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी आ गए हनुमान जी के साथ। पीछे यहाँ पे माता जी बहुत ही सुंदर दर्शन दे रही हैं। सुंदर यहाँ पे श्री हरि विष्णु कृष्ण रूप में राधा जी के साथ झूला झूलते हुए और यहाँ पे विराट रूप श्री कृष्ण जी का। और ये हैं हमारे नसीब बताने वाले तोते, बोलो टैंग। ये देखो अभी काटने आ जाएगा, अभी 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 काटने आ जाएगा। कितना क्यूट सा है, कैसे हैं ये? हाँ देखो क्यूट है ना भाई, क्यूट है ना? हाँ बहुत ही क्यूट है। कनक भवन के सुंदर दर्शन आप देख रहे हैं द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला पे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन हमने यहाँ श्री रामचंद्र जी के, श्री रामलला के, माता सीता के, लक्ष्मण जी के किए, भरत शत्रुघ्न और श्री हनुमान जी के किए। बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पे रहे। कल रात को हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे लेकिन आज बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। कुछ खाया नहीं, आप जाके कुछ खाते हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद कनक भवन आए हैं और यहाँ से हम देखते हैं प्रयागराज, यहाँ पर चित्रकूट निकलते हैं। पूरा जो ये मंदिर का प्रमाइसिस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत पुराना है और बहुत ही पुराने जैसे बिल्डिंग बना करते थे ना उस तरह की, यहाँ पे जो है हर जगह आपको देखने को मिलेगा। देखिए दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज़्यादा पुराना होगा, बहुत ही ज़्यादा पुराना। फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे कनक भवन के अंदर, बहुत ही सुंदर। कैसा प्रमाइसिस लगा सभी को? बहुत ही अच्छा, सुंदर। दिखाता हूँ पीछे, यहाँ कार्तिक राजा फोटो खींच रहे हैं, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा, बहुत सुंदर है। आप भी प्लीज़ आइएगा। कनक भवन से सुंदर दर्शन कर लिए हमने और यहाँ सभी के सभी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लगा भाई कनक भवन? बहुत अच्छा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जी। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं संध्या चौरसिया जी, उनके बच्चे जो हैं वो ICU में थे और श्री हरि नारायण की कृपा से, रामचंद्र जी की कृपा से वो ठीक हो जाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सारी व्लॉगिंग यहाँ पे है ना, बहुत ही सुंदर दर्शन। लेकिन बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा उमस हो रखी है ना, है भाई उमस बहुत हो रखी है ना, बहुत उमस। सबसे ज्यादा जिसको गर्मी लगती है उसको एक पसीना नहीं आ रहा, ये सोचो वो है हमारी ठकुराइन चटकी। हाँ सच में, बिल्कुल। कहाँ से निकल रहे हैं अब हम दीदी? अब हम निकल रहे हैं कनक भवन से, जा रहे छोले भटूरे खाएंगे, पहले ही बता दे रही हूँ। बिल्कुल छोले भटूरे खाएंगे, गले में आवाज भी है, हम लोग बहुत थक चुके हैं। हाँ बिल्कुल। और ये देखिए कनक भवन के सुंदर प्रांगण से हम निकल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रांगण है। अयोध्या जी में कनक भवन के दर्शन करने के बाद, छोले भटूरे खाने के बाद कैसे लगे छोले भटूरे भाई? बहुत टेस्टी छोले भटूरे थे, बिना लहसुन प्याज के बनाए थे लेकिन बहुत ही टेस्टी थे। और वो खाने के बाद हम देखिए सारे के सारे यहाँ बैठे हुए हैं, इधर बुआ को भी बुला लो अंदर ही। दीदी एक ऐसे फैन के नीचे बैठी हुई है जो बिल्कुल डायरेक्ट उनको पंखा हवा दे रहे हैं। बिल्कुल, अभी अभी मम्मी को वीडियो कॉल की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, अभी निकल लेंगे हम फिर कहीं के लिए। बताया ही मैंने प्रयागराज के लिए। आ गए हम सुंदर
बिरला धर्मशाला जहाँ पे सुंदर श्री राम भगवान सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ विराजित हैं। बहुत ही सुंदर प्रिमाइसिस है। अभी यहाँ पे कुछ कथा चल रही है इसलिए हमें यहाँ पे रूम नहीं मिले, तो हम दूसरी जगह रुके हैं इस बार। लास्ट टाइम हम यहीं रुके थे। ये देखिए बहुत ही बड़ा मंदिर का प्रांगण है और पूरा प्रिमाइसिस जो बिरला धर्मशाला का, मैं अभी दिखाऊँगा। गर्मी कितनी हो रखी है ये समझ सकते हो आप यहीं से, है बहुत ना, बहुत ज़्यादा। और आप मुझे देख के भी समझ सकते हो कितनी गर्मी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। पसीना इतना ज़्यादा है कि अब मैं पहुँच ही नहीं रहा कि चलो तुम बह ही लो, है ना। लेकिन जो दर्शन करने में आनंद आता है ना देवता पे, देवताओं के, और जो पुरियों में और तीर्थ स्थानों में घूमने का जो आनंद है वो कहीं पर भी नहीं है। सच बता रहा हूँ, जीवन में जैसे ही मौका मिलना चाहिए ना, मौका मिले निकल लेना चाहिए। हम सोचते ही रह जाते हैं, हम सोचते हैं गर्मी में गर्मी लगेगी और सर्दी में इतनी सर्दियाँ पड़ने लगती हैं, कहते हैं नहीं अभी कौन जाके नहाएगा, है ना। तो इसलिए हम अपने हिसाब से ना करें, जैसे समय मिले उसके हिसाब से कर लेना चाहिए। यही मंदिर में एक सुंदर से हनुमान जी विराजे थे, जिनके दर्शन आप द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला के माध्यम से कर रहे हैं। हाँ देखिए बच्चे पस्त हो गए गर्मी से, कैसा लगा? नहीं आते तो बुरा, नहीं आते तो पछताते ना। हाँ पछताते बिल्कुल। इस सुंदर प्रिमाइसिस से विदा लेते हुए बिरला धर्मशाला के, और ये मंदिर है श्री रामचंद्र जी का जहाँ के दर्शन अभी मैंने आपको कराए हैं। ये प्रिमाइसिस बहुत सुंदर है, आप जब भी आए यहाँ पे अपना ख्याल रखें बंदरों से। अगर आपको प्रसाद वगैरह आपने लिया हो तो बंदरों से संपर्क में ना रहें और छुपा के रखें। मैं आगे की चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल मेन रोड से यहाँ एकदम सीधे सीधे रामचंद्र जी के दर्शन होते हैं। 11:30 के आसपास कपाट बंद हो जाते हैं, आप उससे पहले दर्शन कर सकते हैं। और ये धर्मशाला यहाँ पे, कहने को धर्मशाला है, इसमें होटल से भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। लास्ट टाइम मैं मम्मी पापा के साथ यहीं पे रुका था। तो भाई हम आ चुके हैं अपने कमरे पे और इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रखी है कि मैंने कहा कि भाई मैं तो चेंज कर लेना हूँ, पर उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ जाना होता है। अब बात ख़त्म करो और यहाँ बताओ कि क्या क्या हुआ है यहाँ प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में काशीपुर है जहाँ मेरे एक मामा रहते हैं, और प्रतापगढ़ में मेरी अपनी सगी मौसी रहती हैं। पर हम इतने शॉर्ट नोटिस छोड़ देते हैं इसको। तुम यहीं रह लो मामा मौसी के। जब उनके प्रतापगढ़ में ननी हाल है। तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल लगाया और वो कॉल पे हैं, और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि कौन कौन रहते हैं यहाँ। तो मुझे पता चला है मेरी अपनी मौसी यहाँ रहती हैं और मेरे मामा भी हैं, एक ममेर मतलब मम्मी के मौसेरे भाई हैं। बहुत सारे रिलेटिव। और दीदी कैसी थी चाय? चाय भी हमने है ना दीदी के ब्लॉग में देखिएगा, चाय दीदी ने मांग मांग के भी बहुत सारी। कुछ इधर रिकॉर्डिंग हो रही है कुछ उधर। बहुत ही अच्छी। दोनों चैनल है आप लोगों को। बिल्कुल है ना, ज्यादातर रिकॉर्डिंग दीदी के चैनल पे हो रही है। तो दीदी का चैनल अच्छे से करती हूँ कि मेरे बच्चे कहते पता नहीं कितना आप। हाँ बिल्कुल। और ये हमारा क्यूटी स्मार्टी। नहीं मैं ये समझती हूँ ब्लॉगिंग का मतलब है हर चीज दिखाना। मैं भी चाहे वो बोरिंग है क्यों नहीं, आप देख तो रहे हैं ना। कोई बिल्कुल। अब निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए, प्रतापगढ़ से 1 घंटा लगेगा शायद। हाँ मुश्किल से 1 घंटा। हाँ घाट पे संगम पे, और हम जा रहे हैं बिल्कुल संगम जहाँ हो रहा है गंगा जमुना का, वहाँ नहाने। मैं पहली बार आया, मेरे को समझ नहीं आ रहा हम पानी की हवा में लाएंगे पानी के नीचे। दरअसल क्या होता है कि संगम पे जो टापू सा बन जाता है वहाँ पे कमर तक पानी होता है। हम नाव से जा रहे हैं और वहाँ पे हम स्नान करने जाएंगे। पहली बार जाएंगे ये। मैं तो कई बार आ चुका हूँ, मैं भी बीच में जा चुका हूँ, लेकिन मैं नहाया नहीं था, वापस आ गया था, किनारे पे ही नहाया था। पर मेरे को भगवान ने अब मौका दिया। अरे अरे नाव वाले भैया देखिए बुला रहे हैं, तो हम फटाफट निकलते हैं। हाथ अंदर रखिए नहीं तो चोट लग जाएगी। लोकेश भैया यहाँ पे हैं, वहाँ जाओ पापा के पास। इधर लोकेश भैया यहाँ पे हमें सवारी की मतलब नाव की सवारी कराते हुए, चाबी यहाँ पे है ना। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जब भी आइएगा इनसे कांटेक्ट करिएगा, अपने हिसाब से रेट लगा के, और इनको बोलिएगा कि आपको सवारी करवा दें। तो ये सुंदर जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ यमुना जी हैं और उधर से गंगा जी आ रही हैं, तो दोनों ही गंगा यमुना सरस्वती जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं। और यहाँ पे हम संगम में जा रहे हैं, मेन संगम पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ पे हम स्नान करेंगे। तो ये तो कहने वाली बात होती है, नदी जहाँ पे भी मिलती है वो पूरा संगम ही होता है, लेकिन एक
थोड़ा कमाई का जरिया भी और थोड़ा एंटरटेनमेंट का भी जरिया बन जाता है कि हाँ चलो संगम में ही स्नान कराएंगे, क्योंकि ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता था पहले कि प्लेटफॉर्म बनाओ संगम में और वहाँ पे आपको स्नान करना पड़ेगा। दोनों ही बच्चे इंजॉय करते हुए है ना, कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट टाइम केशव आए हैं नाव में, वो भी संगम नहाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कार्तिक भी, यमुना जी का पानी कंपैरेटिवली साफ है क्योंकि इसमें बहुत ही इनकी जो सहायक नदियां हैं जैसे कि चंबल है, और सबसे बड़ी नदी तो चंबल ही है, और बेतवा है, केन है, ये सारी नदियां जो होती हैं ये बहुत ही सुंदर पानी, साफ पानी लेके आती हैं, विंध्य के रेंज से निकलती हैं, तो इसलिए यमुना जी का पानी यहाँ पे आगे साफ हो जाता है। गंगा जी मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो है वो मैली होती है, उनके पानी की क्वालिटी थोड़ा अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे मस्ती करते हुए बच्चे भी और साथ में ये देखिए, वाह हुआ क्यों नहीं, रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ मैं। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स में मिथिला और कुक एंड ब्लॉग्स झा के माध्यम से, पूरा संगम में हम आए हुए हैं। आप देखिए कि यहाँ पे इधर से गंगा जी आ रही हैं और इधर से आ रही हैं यमुना जी, तो दोनों का यहाँ पे संगम है, यहाँ प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है एक, बहुत लूटते हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा बाद में। बहुत ही बढ़िया, इनको मैंने बोला जितना मर्जी उतना नहा लो तुम आप संगम में, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ये देख ताली देना गुरु, हमसे ले लिया ताली है बहन के, ये डब्बा बेचने वाले आ गए हैं, अलग अलग 10 रुपए से लेके रेट शुरू होते हैं इन डब्बों के। हमने तो अभी बिस्लेरी के डब्बे बहुत पिए हैं तो हम वही ले आए हैं। हमरा में नहीं बोने ले बिल्कुल, जाओ एक सेकेंड आओ तो बच्चे इधर न मत आइएगा वहीं से, ठीक है? ये देखिए बच्चे मस्ती करते हुए, सारी की सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे बच्चों को नहाते हुए, इन लोगों को ऐसा लग रहा है ये देखो किसी की बात नहीं मान रहे। बोलो गंगा मैया की जय। कार्तिक 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 हम लोग कोई नहीं, इधर मत आइएगा, यमुना जी ज्यादा कह रही हैं, है ना? ठीक है, बहुत ही बढ़िया हो गया। अब और नहाना है, और नहाना है, ठीक है मैं आ जाता हूँ।